अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल मॉडल के साथ क्लिपर और क्लैंपर के डिफरेंट सर्किट्स को डिस्कस किया था। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर या तो लेक्चर सुन नहीं रहे या फिर जो है ना क्वेश्चन बहुत कम कर रहे हैं। सो होपफुली अगर जहाँ समझ ना आए, आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा। सो फ्रॉम हियर ऑन जितने भी हमारे पास टॉपिक्स होंगे वो मोस्टली ट्रांजिस्टर से रेलिवेंट होंगे। ट्रांजिस्टर क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इनको हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इन तमाम चीज़ों का आंसर बाकी लेक्चर्स में देने की कोशिश करूँगा। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है वो एक कुछ वर्ड्स का बेसिकली मुखफ्फफ है। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके ट्रांजिस्टर लिखा जाता है। यानी कि ये क्या करता है, एक पॉइंट की जो रेजिस्टेंस है उसको दूसरे पॉइंट के ऊपर या एक रीजन की जो रेजिस्टेंस है वो दूसरे रीजन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। सो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ट्रांजिस्टर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, उनकी भी फिर फर्दर आगे टाइप्स हैं। जो बेसिक टाइप्स हैं, एक आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और दूसरा आपके पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT जिनको बोलते हैं, और सिमिलरली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जिनको FETs का नाम बोलते हैं। BJT बाइपोलर से क्या मुराद है, इसके अंदर दो पोल होंगे या कह लें कि दो जंक्शन होंगे। ये कैसा ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर आपके पास दो जंक्शन होंगे। अब दो जंक्शन है तो इसका मतलब है कि अगेन बाइपोलर के लफ्ज़ से ये भी, पोलर से मुराद पोलैरिटीज होती हैं, तो बाई की मुराद दो, तो इसका मतलब है दो तरह की इसके अंदर पोलैरिटीज होंगी, तो इसका मतलब है दो तरह के इसके अंदर चार्जेस होंगे, चार्ज कैरियर जिनको हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का भी कहते हैं। जो इनकी जो फर्दर दो टाइप्स हैं वो आपके पास NPN टाइप हो सकती है और PNP टाइप हो सकती है। इसमें होता क्या है कि किसी एक पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप के दरमियान सैंडविच कर दिया जाता है, और सिमिलरली किसी एन टाइप को किसी दो पी टाइप के दरमियान सैंडविच कर देंगे तो वो आपके पास PNP ट्रांजिस्टर बन जाएगा। बेसिकली ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं। यानी कि जो ये IB क्या है और IC क्या है, ये थोड़ी देर तक आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन आप फिलहाल ये समझ लें कि IB कोई करंट होगा जिसको कंट्रोल कर रहा होगा IC, और ये टर्म थोड़ी देर तक आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि जो BJTs हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, और मोस्टली ये जो है सिग्नल की एम्पलीफिकेशन स्विचेस और ओसिलेटर वगैरह के अंदर यूजली यूज होते हैं। अगेन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फिर क्या हुए, एक ऐसे ट्रांजिस्टर जिनके अंदर आपके पास दो जंक्शन होंगे और दो तरह के चार्ज कैरियर्स होंगे, और इसके अलावा जो करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस होंगी और मोस्टली जो यूज होंगी वो एम्पलीफिकेशन स्विच और ओसिलेटर के लिए यूज होंगी। सिमिलरली जो सेकेंड टाइप है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं। इनके पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के अंदर आपके पास सिंगल टाइप के चार्ज कैरियर्स होंगे, या तो एट अ टाइम होल्स होंगे या फिर एट अ टाइम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग वापस इसी पे आते हैं, क्योंकि जब फ्यूचर में ये डिस्कस होनी है तो वहाँ पे जाके मैं इनको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो, सामने वाले फ्रेंड, मैं ना ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री होकर कॉल करना। ओके, बात में ना मैं ना कॉल करना रमेश। नेक्स्ट जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, NPN और PNP। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर, पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप के दरमियान जो है वो
दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान उसको सैंडविच किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना कि दरमियान वाला होगा टर्मिनल, इसको हम लोग बेस का नाम देंगे, जो साइड वाला है एक को कलेक्टर का और एक को हम लोग एमिटर का नाम देंगे। यहाँ पे ये जो जंक्शन है देखेंगे, अब जैसे ही एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को बनाया जाता है, आपस में ज्वाइन किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा एक जंक्शन बनता है, डिप्लीशन रीजन बनता है, पोटेंशियल बैरियर बनता है, उसको हम लोग, अब ये चूंकि कलेक्टर है और ये चूंकि बेस है, तो इस वजह से इसको हम लोग बेस कलेक्टर जंक्शन का नाम देंगे। सिमिलरली ये आपके पास बेस है और ये आपके पास एमिटर है, तो ये जो जंक्शन होगा उसको हम लोग बेस एमिटर जंक्शन का नाम देंगे। ये आपके पास एन पी एन है, तो दूसरा आपके पास दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान एक एन टाइप मटेरियल जो है वो सैंडविच किया हुआ है। सो ये आपके पास पी, और अगेन यहाँ पे भी आपके पास बेस कलेक्टर जंक्शन होगा और यहाँ पे आपके पास बेस एमिटर जंक्शन होगा। सो इसको थोड़ा सा थॉरली एक्सप्लेन करते हैं, बट बिफोर दिस जब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मतलब पी टाइप मटेरियल कैसा होना चाहिए, एन टाइप मटेरियल कैसा होना चाहिए, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं साइज और डोपिंग के लिहाज से। जब हम लोग बेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बेस जो है वो आपके पास थिन होगी और उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कम होंगे, यानी कि जो बेस किसी भी ट्रांजिस्टर की होगी ये वाला पोर्शन जब बनाया जाएगा तो देन उस वक्त उसकी जो साइज होगा वो थिन होगा और उसके अंदर लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स। सो हम डोपिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स की तादाद है वो कम हो। सिमिलरली जो अमीटर है उसका साइज दरमियाने साइज का होगा और उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे। सिमिलरली कलेक्टर जब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर उसका साइज ज़्यादा होगा लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की तादाद होगी वो इन बिटवीन होगी बेस और अमीटर के दरमियान। सो कमिंग टू वर्ड्स, जैसे भाई थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनेंगे, मुझे ये मैंने कुछ अपने लेक्चर तैयार किए हुए थे हैंड रिटन, तो ये डायग्राम्स मुझे यहाँ पे बनाने में मुश्किल होनी थी, सो इस वजह से मैंने इनके स्क्रीन शॉट्स लिए हुए हैं। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज इन डिटेल ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब जब एन टाइप मटेरियल को दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान सैंडविच किया जाता है तो जैसे इनको आपस में ज्वाइन किया जाएगा यहाँ पर एक जंक्शन बन देगा। एन टाइप मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो मेजोरिटी में है और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स की तादाद मेजोरिटी में है। जैसे इनको कंबाइन किया जाएगा तो बिफोर इक्विलिब्रियम इधर से होल्स जम करके इधर आएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन जम करके इधर जाएंगे और यहाँ पे एक जंक्शन बन जाएगा और ये तब तक जंपिंग बनती रहेगी या बनती जाएगी कि यहाँ पे पड़े जम करके इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन और इधर आने वाले होल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इतनी नहीं हो जाती कि वो मजीद आने वाले जो है ना वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर सकें। जैसे ही वो रिपेल करना शुरू कर देते हैं तो मजीद जंपिंग बंद हो जाती है, सो इस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर होता है या डिप्लीशन रीजन होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाता है। एंड सेम केस यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी आपके पास सेम डिप्लीशन रीजन बन जाता है। अब जब हम लोग इनकी बायसिंग करते हैं, मतलब जब हमें इसको किसी बैटरी के साथ अटैच करना है, तो हमेशा चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो एमिटर और बेस का कनेक्शन होगा, एमिटर और बेस का कनेक्शन होगा जब इनके दरमियान बैटरी लगाई जाएगी तो वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होगा और सिमिलरली बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन होगा वो हमेशा से रिवर्स बायस्ड होगा। जब भी ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि बेस और एमिटर का जो कनेक्शन होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होगा और बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन होगा वो हमेशा रिवर्स बायस्ड होगा। अब जो इनकी बाइपोलर जंक्शन की स्ट्रक्चरल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से हैं। आप लोग इनको रटा मारने के बजाय इस तरह से जेन में रख सकते हैं, आपके पास ये सर्कुलर शेप है, जिस साइड पे एरो जा रहा है उस साइड पे आप एन लिख दें और फिर उसके बाद रिप्लेस करते जाएं एन पी और उसके बाद फिर एन आएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरो था तो जिस साइड पे एरो जा रहा है यहाँ पे एन लिख दिया तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, आपके पास पी आ जाएंगे अल्टरनेटिव सिम्बल्स की फॉर्म में। और अगेन ये जो एरो सिंबल है विल डिफाइन द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि इसमें से जो सिंबल है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहाँ पे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो एक चीज़ें दो चीज़ें जेहन में रखनी है, एक तो यहाँ पे जंक्शन बनता है और दूसरा आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेस और एमिटर का जो जंक्शन होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होगा और कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन होगा वो हमेशा रिवर्स बायस्ड होगा।
अब सपोज करेंगे वो हम लोग किस तरह से करेंगे, अगर इसको फॉरवर्ड बायस बनाना है तो ये आपके पास एन टाइप है, तो एन यहाँ पे आप हमें बैटरी जो अटैच करेंगे वो नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर, और ये पी है तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस होगा। सिमिलरली इधर रिवर्स बायस बनाने के लिए इधर आपके पास एन है तो इधर आपके पास बैटरी का जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये पी है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये आपके पास रिवर्स बायस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे इसको अगर फॉरवर्ड बायस बनाना है तो ये पी है तो इसका बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, और यहाँ पे एन है तो एन यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपके पास फॉरवर्ड बायस। एंड सेम केस आप यहाँ पे रिवर्स बायस भी कर सकते हैं। सो अगेन जो एरो की सिंबल है वो शो करेगी करंट के फ्लो की, और एरो की बेस के ऊपर ही हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि एन पी एन है या पी एन पी है। जहाँ जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ आप एन प्लेस कर दें, उसके बाद अल्टरनेटिव सिंबल्स प्रेस कर देंगे, एन है तो फिर उसके बाद पी आएगा, फिर दोबारा एन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एन लगाते हैं तो अल्टरनेटिव में यहाँ पे पी आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास पी आ जाएगा, दो कंजेक्टिव सेम नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे पी पी नहीं आएगा या यहाँ पे एन एन नहीं आएगा। सो होपफुली आप लोगों को इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। सो हम लोग थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के सर्किट को बनाने के लिए जो स्टैंडर्डाइज्ड वे है उसको डिस्कस करेंगे। जब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सपोज ये आपके पास पी एन पी ट्रांजिस्टर है, तो जब आपके पास पी एन पी ट्रांजिस्टर है तो जो आपके पास एमिटर और बेस के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको बेस और एमिटर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये आपके पास एमिटर है और ये आपके पास बेस है, ठीक है। एमिटर और बेस के दरमियान जो ये आपके पास एमिटर है और ये आपके पास बेस है, एमिटर और बेस के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो देन आपके पास उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग वी बी ई का नाम देंगे, बी फॉर बेस ई फॉर एमिटर, यानी कि बेस और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा उसकी वैल्यू वी बी होगी। सिमिलरली ये आपके पास कलेक्टर है, ये आपके पास बेस है, बेस और कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या इसका नाम देंगे, वी बी सी का नाम दे दें या वी सी बी का नाम दे। सिमिलरली हम लोग कलेक्टर और एमिटर के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप को भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम लोग वी सी ई का नाम देते हैं। अब ये आपको पता है कि एमिटर और बेस का जो कनेक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, तो ये पी है तो हमेशा बैटरी का यहाँ पे फिर क्या आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। और सिमिलरली जो आपके पास बेस और कलेक्टर का जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड होता है, तो ये पी है तो डेफिनेटली बैटरी का यहाँ पे जो टर्मिनल आएगा वो नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर यानी कि कुछ पोर्शंस के जो स्पेसिफिक नाम हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। जो हम लोग हमेशा इनपुट में बैटरी, ये वाला जो सर्किट है ये वाला पोर्शन वो इनपुट सर्किट कहलाएगा, और ये वाला जो सर्किट है वो आपके पास आउटपुट सर्किट कहलाएगा, ठीक है। जो इनपुट में बैटरी अटैच की जाएगी वी इनपुट, उसको हम लोग नॉर्मली वी बी बी का नाम देते हैं, यानी कि बैटरी एट बेस। और सिमिलरली जो कलेक्टर के आउटपुट सर्किट में बैटरी अटैच की जाती है वो वी सी सी अटैच की जाती है। नाउ एक चीज़ और ध्यान में रखें, क्योंकि अब हमारे पास दो बैटरीज हैं, एक ये बैटरी है और दूसरी आपके पास ये वाली बैटरी है। अब बैटरी के चार टर्मिनल्स हैं, एक ये दूसरा ये, सिमिलरली एक ये और दूसरा ये, यानी कि टोटल चार टर्मिनल हो गए, जबकि जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके तीन टर्मिनल्स हैं, एमिटर बेस और कलेक्टर। तो उस बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कंपोनेंट के साथ बैटरी के दो कंपोनेंट्स को अटैच कर देते हैं, यानी कि इसका इस बैटरी का ये टर्मिनल आ रहा है, इस बैटरी का ये टर्मिनल आ रहा है, और दोनों बेस के साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से जिसके साथ बैटरी के दो टर्मिनल अटैच हुए हुए हैं जिस कंपोनेंट्स के साथ, वो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। मतलब अभी जो अपेरेंटली बेस के साथ अटैच हैं तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब अगर सपोज करें एमिटर के साथ दोनों दो बैटरीज के टर्मिनल आ जाते हैं देन कॉमन एमिटर, और अगर कलेक्टर के साथ आ जाते हैं तो देन कॉमन कॉमन कलेक्टर आ जाएगा। सो नाउ अनदर थिंग, जब ये क्लियर हो गया कि बेस और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर है वो वी बी है, बेस और कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी सी बी है, एंड सिमिलरली कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है वी, उसको हम लोग वी सी सी का नाम देते हैं। वी फॉर यानी कि इस जगह के ऊपर हम लोग इन टर्मिनल्स के ऊपर हम लोग पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर को अटैच करेंगे,
सो वो हमें पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा। सो ये आपके पास इनपुट सर्किट है और ये आपके पास आउटपुट सर्किट है। अब चूंकि हमें पता है कि ये इनपुट सर्किट है और ये आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस्ड के अंदर जो जंक्शन होता है आपको याद होगा वो स्क्वीज कर जाता है, और जब रिवर्स बायस के केस में जो जंक्शन होता है वो आपके पास डिप्लीट कर देता है, यानी कि वो एक्सटेंड कर जाता है, और जो फ्लो ऑफ मैन्योर डिचार्ज कैरियर्स को भी वो क्या करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है। सो ये बातें आप लोगों को जेहन में रखनी है ताकि हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकें। अब क्योंकि अभी हमने बात की कि बैटरी के चार टर्मिनल्स हैं, एक दो, दूसरी बैटरी ये, तीन चार, चारों टर्मिनल्स हैं, और हमारे पास ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स हैं। सो इस वजह से किसी एक टर्मिनल ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल के साथ दोनों बैटरीज का एक एक टर्मिनल जो ज्वाइन हो रहा होगा उसको हम लोग कॉमन कन्फिग्रेशन का नाम देंगे। सो इस कंसेप्ट के ऊपर तीन तरह की कन्फिग्रेशन बन सकती है। मीटर के साथ अगर दो आके अटैच हो रहे हैं तो कॉमन मीटर, बेस के साथ दो आके अटैच हो रहे हैं तो कॉमन बेस, कलेक्टर के साथ आके अटैच हो रहे हैं तो कॉमन कलेक्टर आ जाएगा। सो अपेरेंटली इस डायग्राम के अंदर बेस के साथ अटैच हो रहे हैं, जिस वजह से सर्किट को हम लोग कॉमन बेस का भी नाम दे सकते हैं। सो दिस इज कॉमन बेस, बेस के साथ दो टर्मिनल आके अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी जेन में रखें, बैटरी की पोलैरिटी डटा ना मारें, ये जेन में रखें, आप देखें जिस तरफ एरो जा रहे हैं यहाँ पे एन प्लेस करेंगे, एन प्लेस करेंगे तो ये एन पी एन डायग्राम बन जाएगी। अब N है तो ये एमिटर है और ये बेस है, ये फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए ये वाला पोर्शन N के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा, और यहाँ पे आपके पास N है तो इसको रिवर्स बायस बनाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। सो ये आपके पास और बेस के साथ एक ये बैटरी का टर्मिनल आ रहा है और ये बैटरी का टर्मिनल आ रहा है, इस वजह से इसको कॉमन बेस, ये आपके पास VBB कहलाएगा, ये आपके पास VCC कहलाएगा, यानी कि कलेक्टर आउटपुट के क्रॉस। सिमिलरली कॉमन एमिटर एंड सिमिलरली फिर उसके बाद कॉमन कलेक्टर। अब उसके बाद इसकी जो करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, लेकिन हम लोग एक चीज़ में रखें कि जो नॉर्मली कॉमन कलेक्टर है उसको हम लोग नहीं यूज़ करते, कॉमन कलेक्टर सर्कल को यूज़ नहीं करते, हम लोग कॉमन एमिटर को नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों को एम्पलीफिकेशन के अंदर जाके दूंगा कि हम लोग नॉर्मली इसको ही क्यों यूज़ करते हैं। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफिकेशन, स्विच और ऑसिलेटर के लिए तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी जो परफॉर्मेंस फॉर एम्पलीफिकेशन एंड ऑसिलेटर है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। देखिए कॉमन एमिटर है तो इसका मतलब है एमिटर के साथ दोनों बैटरीज के दो टर्मिनल्स आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग कॉमन एमिटर का नाम देंगे। जो ये आपके पास बेस है और ये आपके पास एमिटर है, बेस और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको VBE का नाम दिया गया, और एमिटर और कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम लोगों ने VCE का नाम दिया। अब ये चूंकि इनपुट सर्किट है, ये आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है, ये नॉर्मली हम लोग रेजिस्टेंस इस वजह से लगाते हैं कि हम लोग जो है ना इनपुट में हैजर्ड डोज की वजह से अपने आउटपुट सर्किट को बचा सकें। सो अब यहाँ पे देखें कि हम लोग बेसिकली बैटरी के ऊपर ये जो एरो सिंबल होता है वो ये शो कर रहा होता है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल कोई चीज़ रखी हुई है जिसकी वजह से हम लोग इस बैटरी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अब आपके पास सेल टाइप नहीं है कि आपने 3 वोल्ट का या 9 वोल्ट का या 6 वोल्ट का या 12 वोल्ट के यहाँ पे सेल लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब आपने कोई डिवाइस लगाई हुई है जो क्या कर रही है, इसकी वैल्यू को आपकी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकती है, और वो आपको याद होगा और रियोस्टेट होता है जिसकी मदद से हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखें जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे VBB की वैल्यू को बढ़ाएंगे और ये जो बेस और एमिटर का जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, सो इस वजह से इसमें से करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे VBB बढ़ाते जाएंगे इसमें से करंट पोटेंशियल बैरियर चूंकि वो फॉरवर्ड बायस है तो इस वजह से इसके सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा VBB को हम लोग इन्हांस करेंगे तो ये देखें ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो एमिटर है यहाँ पे ये आपके पास एन टाइप है। ठीक है, एरो साइड के ऊपर है, यहाँ पे एन टाइप है तो उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी का टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की वजह से ये जो VCC का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इस सर्किट के अंदर भी
करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, जिसको हम लोग आईसी का नाम देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि देखें, जितना हम लोग यहाँ पे वीबीबी बढ़ा रहे हैं उतना इधर से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसकी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू यूज़ हो रही है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा। सो इस वजह से कुछ कंजप्शन होगी जो इधर करंट प्रोड्यूस कर रही होगी। सो हम लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर या जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो देन हम लोगों ने ये जेन में रखना होता है कि हमारा जितना वीबीबी बढ़ा रहे हैं उतना ही हमें इधर इसके कोरस्पॉन्डिंग ओम लॉ के मुताबिक करंट यहाँ पे मिले। लेकिन चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल होके और इधर की अट्रैक्शन की वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस VCC को भी रियोस्टेट की मदद से चेंजेबल बनाते हैं और इसको फिर दोबारा इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले IC की वैल्यू सपोज करें 2 माइक्रो ओम थी या 2 मिली ओम थी, वट एवर दैट वैल्यूज वास, जितनी भी वो वैल्यू थी, हम लोग इस VCC को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो वापस उसी जगह के ऊपर आ जाए। अब वापस उसी जगह के ऊपर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो है ना, इधर से जो इलेक्ट्रॉन रिपेल होके इधर जा रहे थे और इधर अट्रैक्ट हो रहे थे वो नहीं आएंगे, वो इसी पोर्शन को में मूव करेंगे और जो जितना VBB के क्रोस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए था उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब वो इस पार्ट पे नहीं जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है VCC की वैल्यू को इनिशियली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले VCC की वैल्यू को सपोज करें हम लोग 10 वोल्ट एडजस्ट कर देंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई करंट IC होगा, उसकी वैल्यू को मेजर कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग VBB को बढ़ाएंगे, जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ानी शुरू करती हूँ, फिर थोड़ी देर तक कॉल कर। अच्छा, अब जो इधर से करंट फ्लो VBB बढ़ाएंगे तो चूंकि इसकी रिपल्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे IC की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, जो ऑलरेडी सपोज करें यहाँ पे 10 वोल्ट एडजस्ट करने की वजह से यहाँ पे अगर सपोज करें 2 मिली एम्पेयर करंट था तो वो सपोज करें 2.5 हो जाता है या 2.6 हो जाता है, तो वो जो 0.5 0.6 इधर प्रोड्यूस हुआ है वो ड्यू टू दिस सर्किट नहीं हुआ, वो ड्यू टू दिस सर्किट हुआ है। सो इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, VCC को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और IC की वैल्यू वही 2 मिली ओम पे लेके आते हैं और यहाँ पे जो फिर उस वक्त जब 2 मिली ओम पे आ जाता है तो उस वक्त जो इधर IB की वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग VBB को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जो इंक्रीज्ड VBB होगा उसके क्रोसपॉन्डिंग इधर भी करंट होगा, लेकिन उसके लिए अगेंस्ट इधर IC की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम लोग VCC को एडजस्ट करेंगे ताकि IC अपनी बैलेंस पोजिशन के ऊपर आ जाए और उसके बाद हम लोग जो बैलेंस पोजिशन के ऊपर आएगा तो देन हम लोग यहाँ पे IB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस तरह से VBB इंक्रीज करेंगे और IB की वैल्यू हम लोग तब कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग यहाँ पे IC की वैल्यू को अपनी ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर एडजस्ट नहीं कर लेते। सो ये कंटिन्यूसली हम लोग चलते रहेंगे और अपने रीडिंग्स लेने के बाद जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि इनिशियली यहाँ पे देखें VC 10 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, फिर 15 वोल्ट और उसके क्रोसपॉन्डिंग जब आप VBB या VBE हम लोग बढ़ाएंगे तो आपके पास जो IB का ग्राफ आएगा वो आपके पास ओम लॉ के मुताबिक बिल्कुल इस तरह से आएगा, यानी कि यहाँ पे IB फॉर करंट है, IB फॉर वोल्टेज है, 10 वोल्ट एडजस्ट किया VCE को तो उसके बाद जो IB की वैल्यू होगी वो भी इस तरह से आएगी, 6 वोल्ट करेंगे तो देन भी यही आएगी, 15 वोल्ट करेंगे तो देन भी आएगी। अगेन आपके पास प्रोसीजर वही होगा जो लास्ट इस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हुआ और इस चीज़ को मैंने यहाँ पर भी हाईलाइट कर दिया है। नाउ जब हम लोग यहाँ पे KVL और KCL किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ यूज़ करेंगे देन हमारे पास, मैं डायरेक्ट रिलेशन को यहाँ पे लिख दिया हुआ है, हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आपके पास इस चीज़ के इक्वल आएगा, ठीक है। फॉर द टाइम बींग आप इनको फार्मूला समझ लें, जब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे इस पूरे ट्रांजिस्टर के ऊपर तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा, VCE आपके पास यहाँ से यहाँ के दरमियान एमिटर कलेक्टर के दरमियान, VCB जो है वो कलेक्टर और बेस के दरमियान है और VBE जो है वो बेस और एमिटर के दरमियान है।
और ये हमारे पास जो लॉज हैं ये स्टैंडर्ड हैं और ये थ्रू आउट यही रहेंगे ट्रांजिस्टर्स के लिए, चाहे अगेन ये भी ध्यान में रखें ये सारे लॉज जो हैं वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैलिड रहते हैं, मतलब कॉमन एमिटर है या कॉमन कलेक्टर है या चाहे कॉमन बेस है, कि कोई भी होगी ट्रांजिस्टर तो देन जो है ये आपके पास रिलेशन सेम रहेगा। आप लोग अपने तौर के ऊपर नेट से सर्च कर सकते हैं कि हम लोग ये किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सिंबॉलिक डायग्राम की बात बजाय स्ट्रक्चरल डायग्राम रखेंगे तो ये आप ये वाला रिलेशन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंबॉलिक डायग्राम है तो स्ट्रक्चरल डायग्राम से मराद मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, ये वाली जो है ये स्ट्रक्चर डायग्राम है। जब इस तरह की डायग्राम रखेंगे तो देन आपको ये रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा, तो VC, VCB और VB का जो रिलेशन है और IC और IB और IE का जो रिलेशन है वो आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे। सो डू योर सेल्फ एट योर ओन। सो नेक्स्ट जो है ये ग्राफ भी हम लोग डिस्कस कर सके। अब सिमिलरली अब सपोज करें कि हम लोग जो है ये तो अभी हम लोगों ने इनपुट करेक्टरिस्टिक डिस्कस की हैं, ठीक है, ये कि इनपुट में हमारे पास जो करंट है इधर वो किस तरह से वेरी कर रहा होगा। अब देखिए VBB को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे VBE इंक्रीज करेगा, ठीक है, VBE इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से यहाँ पे इनपुट पे हम लोग VBB भी लिख देते हैं और VBE भी लिख देते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस, कि मतलब हम लोग इनपुट वोल्टेज को VBE का नाम भी देते हैं और आउटपुट वोल्टेज को हम लोग VCE का भी नाम देते हैं। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखिए सपोज करें कि आपने जब जो है इनिशियली आपने VBB को बढ़ाया तो आपके पास IB की वैल्यू 10 माइक्रो ओम आ गई। 10 माइक्रो ओम आई जब, तो यहाँ पे आपने VBB को बढ़ाया तो यहाँ पे IB की वैल्यू 10 माइक्रो ओम आ गई, और उसके बाद जो अब 10 माइक्रो ओम आई तो इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से जो IC होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब बढ़ना शुरू होगा तो आपके पास वो किस तरह से बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ जाएगा कि वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे जैसे आप VCE को बढ़ाएंगे तो IB जो है सॉरी जो IC है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगा और एक स्टेज आएगी कि उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। आप इसको दोबारा से फिर इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज करें कि आपने यहाँ पे VBB को बढ़ाया, यहाँ पे IB बढ़ा तो क्या होगा कि IC बढ़ेगा, ठीक है, IC बढ़ेगा तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, IB सपोज करें, या जब आपने VBB को बढ़ाया, जब आपने VBB को बढ़ाया तो यहाँ पे IB बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो सपोज करें IB बढ़ के जो है वो 10 माइक्रो ओम के इक्वल हो गया है, ठीक है, 10 माइक्रो ओम के इक्वल हो गया। उसके बाद जो पेरेंटली जो आउटपुट ग्राफ है उसमें जो IC होगा वो अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहें तो VCC को आप इंक्रीज करेंगे, यानी कि VCE को इंक्रीज करेंगे, और जब इंक्रीज करते जाएंगे तो IC चूंकि ये रिवर्स बायस सर्किट है तो ये एक खास वैल्यू तक क्या कर सकता है वो इंक्रीज कर सकता है, उससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकता, रिवर्स उसके बाद वो ब्रेकडाउन वोल्टेज में चला जाएगा। इस वजह से IC जो है वो इंक्रीज करेगा और एक स्टेज आएगी कि वो क्या हो जाएगा, जैसे जितना मर्जी VCE आप बढ़ाते जाएं IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एंड सिमिलरली उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में अगेन क्या करते हैं, VBB को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, IB फिर बढ़ेगा, IB बढ़ेगा, सपोज IB हो गया 10 माइक्रो ओम के इक्वल हो गया, 10 माइक्रो ओम के इक्वल हो गया, फिर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, VCC को इंक्रीज करेंगे तो IC की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। IC की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो वो एक स्टेज आएगी कि वो अपनी मैक्सिमम सेचुरेटेड वैल्यू तक जाके उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड उसके बाद दोबारा से फिर VBB की वैल्यू बढ़ाएंगे, IB बढ़ेगा तो देन IC भी बढ़ेगा और एक खास वैल्यू के लिए वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपके पास आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये आपके पास इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओहम लॉ को फॉलो करती हैं और तब फॉलो करेंगी जब आप लोग बार बार VCC को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो इस आउटपुट में IC ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा होगा वही वैल्यू नहीं आ जाती, तब आई ओहम लॉ सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा। सो दीज आर द रिलेशन, जो इनपुट के ऊपर रेजिस्टेंस है RI, इसका रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, अगेन
इस रिलेशन की मदद से v इज इक्वल टू आई आर की मदद से आर आई इज इक्वल टू वी इनपुट और आई इनपुट। वी इनपुट जो है वो स्मॉल चेंज इन वी बी ई है और आई इनपुट जो है वो स्मॉल चेंज इन आई बी है, तो उसके रिलेशन से हम लोग आर आई को डिफाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि देखिए इनपुट इनपुट सर्किट के अंदर यहाँ पे ये जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेट लाइन अगर होती तो इसका मतलब है वीबी बढ़ने के साथ साथ जो यानी कि एक यूनिफॉर्म रिलेशन होता, लेकिन अब चूंकि ये कर्व पाथ बन रहा है इसका मतलब है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाथ के अंदर जो सामने रेजिस्टेंस आ रही है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही है, कम होती जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि वो जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास वेरिएबल है, डायनामिक रेजिस्टेंस है, तो यानी कि इसको हम लोग कॉन्स्टेंट नहीं कंसिडर करेंगे, वो डायनामिक रेजिस्टेंस होगी क्योंकि आपके पास जो स्लोप आ रही है वो वेरी कर रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। सिमिलरली जो आउटपुट है उसमें आपके पास डेल आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी सी ही है, तो स्मॉल चेंज इन डेल वी सी डिवाइडेड बाई आपके पास डेल आई सी जो होगा वो आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा। नाउ जब हम लोग इनपुट के अंदर इनपुट सर्किट के अंदर यहाँ पे सिर्फ केवीएल इनपुट सर्किट के अंदर सिर्फ केवीएल अप्लाई करेंगे, याद रखें कि ये जो केवीएल अप्लाई हुआ हुआ है वो केवीएल और केसीएल वो कंप्लीट सर्किट के अंदर अप्लाई हुआ हुआ है और ये वैलिड रहता है। जब हम लोग ओनली इनपुट के अंदर अप्लाई करेंगे तो प्लस वीबीबी और यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस टू माइनस जाते वक्त वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा यानी कि लूज करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो आर के क्रोस्पोंडिंग आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर वो दैट इज इक्वल टू आई आर और जो सॉरी ये बेस के क्रोस्पोंडिंग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वी बी भी प्लस आ जाएगा, आई बी और आर बी अगर दूसरे साइड पे माइनस तो लूज करने की वजह से वो माइनस और दूसरे साइड पे जाके हम लोगों ने प्लस कर दिया। सो अगेन यहाँ पे देखें कि अगेन ये पॉजिटिव का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लूज होगा, सो इस वजह से इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, इक्विलिटी की दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि दीज आर नॉट द सर्किट लाइंस, ये वाली जो हैं ये जस्ट शो किया गया है कि अगर हम लोग वोल्ट मीटर को अगर इधर अटैच करेंगे और इधर अटैच करेंगे तो जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप वी की वैल्यू होगी उसको हम लोग वी बी का नाम देंगे, और ये भी अटैचमेंट ऑफ द वोल्ट मीटर है, नॉट ये सर्किट का हिस्सा है। सो जब हम लोग इनपुट में हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया तो प्लस वी बी माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, सो यहाँ पे माइनस वी बी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस वी आर जो वी आर का रिलेशन यहाँ पे करंट इनटू वोल्टेज आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये दोनों दो साइड में माइनस होंगे तो इधर आके प्लस हो जाएंगे, सो इस वजह से इनपुट के क्रोस्पोंडिंग ये रिलेशन आएगा। अब सिमिलरली आउटपुट की तरफ चलते हैं, आउटपुट के अंदर अगर हम लोग प्लस वी सी सी की बात करें उसके बाद यहाँ पे जो और आउटपुट के ग्लास प्लस से माइनस जाएंगे तो ये लूज करेगा, सो इस वजह से जो इसके ग्लास वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस आएगा। सो अगेन यहाँ पे भी वी सी प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो वो ये भी आपके पास डिक्रीज कर रहा है तो लूज कर रहे हैं, सो इस वजह से इसके साथ भी माइनस आएगा। सो जब ये दोनों दूसरे पे जाएंगे तो माइनस आएगा, सो इस वजह से इस तरह आएंगे तो आपके पास पॉजिटिव हो गए। सो यहाँ से हम लोग वी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी सी के किस के इक्वल होगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी, और वी सी सी को वी सी ई को ही हम लोग आउटपुट वोल्टेज का नाम देते हैं, वी सी ई को ही हम लोग आउटपुट वोल्टेज का नाम देते हैं, जबकि हम लोग जो वी सी सी है और जो वी बी बी है वो आपके पास रिड्यूस स्टेट की मदद से वेरिएबल होती हैं। ये जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसकी मदद से हम लोग आगे फ्यूचर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्विच को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो ट्रांजिस्टर है स्विच है इसको यूज़ करते हुए करेंगे। सो अगेन ये जो केवीएल अप्लाई करेंगे मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर करेंगे प्लस वी बी बी माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, तो उसको लिखने के बाद इक्वल जीरो और जो नेगेटिव टर्मिनल हैं दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगेन प्लस वी सी सी प्लस टू माइनस जाते वक्त लूज करेगा, यहाँ इसके साथ माइनस आएगा, फिर ये भी प्लस टू माइनस जा रहा है इसके साथ भी माइनस आएगा, तो ये दोनों दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएंगे,
पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगेन वीसी को हम लोग आउटपुट वोल्टेज का नाम देते हैं, तो इस वजह से वीसी विल बी इक्वल टू वीसीसी माइनस दिस वोल्टेज। सो होपफुली आप लोगों को कोई मसला होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।